जैसे कि आप देख सकते हो 3,800 का टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा पूरे साल में, और आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 53,800 रुपीज का। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको सब कुछ पता चलने वाला है आज के इस वीडियो में, क्योंकि हम देखेंगे कि इस योजना के फीचर्स, बेनिफिट्स और कैलकुलेटर के साथ आपका इंटरेस्ट कितना हो सकता है अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेटी के लिए ओपन करना चाहते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, यानी कि जो भी आपका डिपॉजिट होता है इस अकाउंट में, जो भी आप डिपॉजिट करते हो वो एब्सोल्युटली सेफ होता है दोस्तों, और आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलेगा। आप ये अकाउंट ओपन कब कर सकते हो, तो अगर आपकी एक बेटी है जो कि 10 साल के अंदर ही अंदर की उसकी उम्र है, तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो आपकी बेटी के लिए, और अगले 15 साल तक आप इस अकाउंट में उसके लिए डिपॉजिट कर सकते हो, और 15 साल के बाद 6 साल का कूलिंग पीरियड होता है जहां पे आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि टोटल टेन्योर इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का होता है 21 ईयर्स, जिसमें से आपको पहले 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना होता है और अगले 6 साल तक के लिए डिपॉजिट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब पहले 15 साल में आपका जो मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है 250 रुपए, ताकि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव रहे, और मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो वो है 1.5 लाख रुपीज। अब दोस्तों इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको टैक्स डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो मिलता है, यानी कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो आपकी बेटी के अकाउंट में यानी कि SSY अकाउंट में, आप उसको क्लेम कर सकते हो आपका जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उस समय सेक्शन 80C के तहत, जिसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस की लिमिट दी गई है। अब इसके अलावा और कौन से सेक्शंस में आप निवेश कर सकते हो ताकि आपका इनकम टैक्स बच सके, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जहां तक इनकम टैक्स सेविंग का ऑप्शन आता है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपको मदद कर सकता है आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। अब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो SSY अकाउंट में आपको करंटली 7.6% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों, यानी कि ये साल का इंटरेस्ट रेट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने की ये है कि हर क्वार्टर में गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है, और हो सकता है कि हर क्वार्टर में ये इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। अब दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी चेंज होगा। अब वो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे चेंज होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने आपके लिए SSY का ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, उसको हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। जब भी आपका SSY अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाता है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके अलावा समझो आपने 15 साल तक या फिर 21 साल तक इस अकाउंट को ओपन रखा, और बीच में ही समझो अगर आपको जरूरत पड़ गई इस पैसे की, समझो अगर आपकी बेटी 18 साल या फिर 21 साल की हो गई और आपको उसके मैरिज पर्पस के लिए या फिर हायर एडुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप मैक्सिमम 50% तक का पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि अकाउंट क्लोज होने से पहले ही आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसका 50%, ताकि आपका जो भी गोल है मैरिज पर्पस के लिए या फिर हायर एडुकेशन के लिए आप उस अमाउंट को यूज कर सको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल है, तो SSY अकाउंट में आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है। ये भी पॉइंट हम देखेंगे हमारे SSY कैलकुलेटर को जब हम यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑनलाइन SSY कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने आपके लिए कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं और आगे बनाते भी रहूंगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे SSY कैलकुलेटर यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं, जहाँ पे हमें हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो हम
हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर पर मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू विंडो में सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके SSY अकाउंट पे आपको कितना रिटर्न, कितना इंटरेस्ट मिल सकता है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है बाय डिफॉल्ट जीरो है, तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है और शुरू कर रहे हो डिपॉजिट करना अप्रैल के महीने में या फिर और किसी भी महीने में, तो आप अपना जो डिपॉजिट है यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50,000 रुपीज का आपने समझो अगर अप्रैल के महीने में डिपॉजिट किया, जो कि 1.5 लाख से कम है, मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो 3,800 का टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा पूरे साल में और आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 53,800 रुपीज का। अब दोस्तों ये 3,800 रुपीज कैसे आया, हर महीने आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 7.6% का करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। अब इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इतना इंटरेस्ट मिला है, ये कैसे हुआ है चलिए कैलकुलेटर में देख लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे सबसे पहले 7.6% को हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 12 करने के बाद हमें एक महीने का ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिपॉजिट से जो कि 50,000 रुपीज का है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 रुपीज से और फिर डिवाइड करेंगे 100 से, ताकि हमें एक महीने का इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो पता चल जाए। तो जैसे ही मैं इक्वल टू पे क्लिक करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो इस फॉर्मूला के हिसाब से 316.66 रुपीज का आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी प्रकार से हर महीने आपको इतना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा क्योंकि करंटली आपका 50,000 रुपीज का डिपॉजिट है। अब दोस्तों इस कैलकुलेटर की एक और खासियत ये है कि समझो अगर अगले क्वार्टर में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाता है, समझो यहाँ पे 7.6 की जगह 7.5 हो जाता है, तो जैसे ही हम यहाँ पे जुलाई के क्वार्टर में 7.5 कर देते हैं तो बाकी के महीने यानी कि अगस्त और सितंबर में भी 7.5 हो गया और अपने आप ही आपका जो इंटरेस्ट है अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेशन जो होता है वो अपडेट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले आपको 316.67 रुपीज का अमाउंट मिल रहा था 7.6% के हिसाब से, लेकिन आप 7.5% के हिसाब से 312.50 रुपीज मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, सेम प्रोसीजर है, 7.5 का हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ताकि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिले। इस चीज को हमारा जो एक्सिस्टिंग बैलेंस है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 100 से, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 312.5 रुपीज का आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इस तरीके से आया है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ता है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। 8% समझो अगर होता है तो नवंबर और दिसंबर में भी 8% हो गया, आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी चेंज हो गया और फिर यहाँ पे जनवरी में समझो अगर 8.5 वापस से हो गया, हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि 8.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिले फ्यूचर में, लेकिन दोस्तों पॉसिबल है, तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट खासियत है इस कैलकुलेटर के बारे में, जो आपको और भी किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा, कि आपका जिस भी क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या फिर घटता है, चेंज होता है, उसके हिसाब से आपका उस साल के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, अगले साल के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आपको ये टोटल बैलेंस लेना होगा, आप इस चीज को कॉपी करोगे और आपका ये जो बैलेंस का मैंने फील्ड दिया है यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो जैसे मैंने ये वैल्यू पेस्ट किया, आपने 50,000 रुपीज का और डिपॉजिट किया, तो आपका बैलेंस हो गया 1,03,950 रुपीज बेस्ड ऑन जो आपने बैलेंस पेस्ट किया है, और उसके हिसाब से आपका कितना इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो कैलकुलेट हुआ है। ये भी हम जल्दी से कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 7.6% का इंटरेस्ट रेट है, 7.6% का इंटरेस्ट रेट डिवाइड करेंगे हम 12 से ताकि एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिले। इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बैलेंस से जो कि अपडेटेड बैलेंस है, इसको मैं कॉपी कर देता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं और फिर डिवाइड करेंगे इसको हम 100 से, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 658.35 और यही सेम चीज यहां पे डिस्प्ले की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हर महीने आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है और साल के अंत में यानी कि जैसे ही 12 महीने होते हैं मार्च के एंड में आपको जो भी हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट मिले हैं उनको एड कर दिया जाता है और आपका टोटल इंटरेस्ट जो फिगर है वो आपके टोटल बैलेंस में ऐड करके
वो एज अ बैलेंस यूज किया जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेशंस में। और दोस्तों इस तरीके से आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब इसके अलावा इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने और भी डिटेल्स दी हैं। अगर आपको एक्सेल कैलकुलेटर यूज करना है सुकन्या समृद्धि योजना का तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ से आप एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिंक दिया है। इसके अलावा जो भी मैंने फीचर्स या फिर बेनिफिट्स आपको समझाए हैं ये सारे बेनिफिट्स और फीचर्स यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं, तो आप इसको आसानी से रीड भी कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझे, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा आपके लिए और भी डिटेल्स मैंने इस कैलकुलेटर पेज पे दी हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने सुकन्या समृद्धि योजना के क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स थे पहले और अभी के करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, किस तरीके से ये ऊपर नीचे हुए हैं, ये भी आपको टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। और इसके अलावा मैंने कई सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑलरेडी उसको भी आंसर किए हुए हैं इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के सेक्शन में, तो आप ये वाला सेक्शन भी रीड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे कैलकुलेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनाए हुए हैं आपके लिए, तो आप उन कैलकुलेटर्स को भी यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।